justice! We want justice! We want justice! Ready to see Serpent Commander! Ready to see Serpent Commander! आज मुझे लगता नहीं है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जम्मू कश्मीर ये अपने यूटी के अंदर आज तक यूटी जब से बनी हुई है तब से इतना लंबा कोई प्रोटेस्ट अगर किया होगा तो मुझे लगता है कि एक हमारा एनएचएम वालों का ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिन्होंने इनके जो है सरकारी दफ्तरों का घेराव किया, सरकारी बिल्डिंगों को अपने कब्जे में रखा, उसके बाद इनके हर एक नेता तक पहुंचे और उसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि ये दो दिन पहले बीजेपी कार्यालय के बाहर जाते हैं, उधर पहुंच के हमारे जो कर्मचारी हैं एम्प्लॉइज हैं इनके साथ ऐसी धक्का मुक्की और छीना झपटी की जाती है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर की सरकार मान चुके हैं बहुत ही घटिया और निठल्ली किस्म की सरकार है और गवर्नर सर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सर जो ये कुर्सी है ये छोड़ दें क्योंकि इसके काबिल नहीं है आप। अगर 90 दिन प्रोटेस्ट सरकार के टाइम पे चलता है तो सरकारें चेंज हो जाती हैं। मैं अपनी सेंटर की अपनी सेंटर की जो है सरकार उसे गुहार लगाना चाहूंगा कि अगर ये प्रोटेस्ट 90 दिन से ऊपर चलता है तो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चेंज कर दिया जाना चाहिए और आने वाले दिनों में 2 या 3 हमारा खर्चा तो वैसे भी जम्मू में बैठ के हो रहा है। तो मेरी अब यही मंशा है, मेरी अपने एम्प्लॉय से बात हो गई है, हम थोड़े दिन के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर अपनी इधर से गाड़ी करेंगे और जंतर मंतर के बाहर धरना देंगे। अब हमारे कम से कम 50 या 60 बंदे जो रेगुलर प्रोटेस्ट में होते हैं ये बंदे लेके मैं दिल्ली जाऊंगा और सीपी में और जहां पे नेशनल मैक्सिमम मीडिया होती है वहां पे और जंतर मंतर के बाहर हम धरना ठोकेंगे। आने वाले समय में आपकी मांगी नहीं पूरी, इतने दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई? मैं कहता हूँ ये हम चाहते हैं हमारी मांगे ये ना पूरी करे, हम इधर से निराश होके जाए, लेकिन जिस दिन हमारा कॉल ऑफ होगा प्रोटेस्ट उस दिन बीजेपी के अध्यक्ष और जो जितने भी लीडर होंगे बीजेपी के इनके कपड़े हम सरेआम चौकों में फाड़ के अपने घर जाएंगे, ऐसे कोई भी घर नहीं जाएगा मेरा।